जांच। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मसूरी में भूस्खलन से घरों को हुआ नुकसान, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे पौड़ी गढ़वाल की खबर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोता घाटी, तीन धारा, पौड़ी आला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट एवं चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्य सचिव SS भी इस दौरान साथ रहे। आपदाग्रस्त जो इलाके हैं उसका हवाई सर्वेक्षण किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इस वक्त जो उत्तराखंड के तमाम सारे जो जिले हैं वो बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से बहुत खराब स्थिति में हैं, और जिसका जायजा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से लिया है, और उनके साथ मदन कौशिक भी मौजूद रहे। बेरीनाग में भारतीय रेलवे बोर्ड में मेंबर बनने के बाद गीता ठाकुर का प्रथम बार गंगोली घाट विधानसभा के बेरीनाग और गंगोली घाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गीता ठाकुर ने बताया कि भविष्य रेलवे को भी पर्यटन से जोड़ने का काम चल रहा है। साथ ही कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की जनता सरकार के काम से खुश है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रदेश में 60 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने अभी भी ये कहा कि जवानी और पानी, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही वो महिलाएं जिन्होंने अपना अस्तित्व दिया, वो महिलाएं जो कारगिल में फौज में शहीद हुए हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार को जिस तरह से धामी जी तवज्जो दे रहे हैं, उसकी वजह से ये बहुत आगे जाएंगी। हमारे जितने भी कार्य बन रहे हैं, जो उनकी योजनाएं बन रही हैं, वो सपना नहीं है, वो एक धरातल है, और वो धरातल को पूरा करके रहेंगे। खबर भाजपुर से है, जहां किसानों ने करनाल में टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा की भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान किसानों ने सरकार को कहा कि मांग जब तक पूरी नहीं होगी आंदोलन रखने की चेतावनी दी। आपको बता दें, भाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में दर्जनों किसान भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए। यहाँ किसानों ने हरियाणा के करनाल में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने जो बर्बरता करनाल में टोल प्लाजा पर बैठे किसानों पर की है, इससे हमें गुलामी का दौर याद दिलवा दिया है, वो अंग्रेजों का शासन याद दिलवा दिया है कि इतना अत्याचार तो उस सरकार ने भी नहीं किया होगा। लहूलुहान किए गए किसान, किसानों को घायल किया गया, उनके सिर फाड़ दिए गए, दर्जनों सैकड़ों किसान जो हैं घायल हुए हैं, उसके विरोध में आज बाजपुर में ये पुतला दहन हुआ है। और अगर ये सरकार तानाशाही पर उतारू रही, देश के मजदूरों किसानों का विरोध इसी तरीके से झेलना पड़ेगा सरकार को। सरकार को सीधी चेतावनी है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार हैं, आप तानाशाही रवैया नहीं अपना सकते, आपके देश के मजदूरों किसानों की बात सुननी पड़ेगी, आपको सकारात्मक रहना चाहिए। 9 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, मजदूर किसान सड़कों पर बैठे हैं, इस सरकार ने सुध नहीं ली, और आज ये गोलियां चलवाएंगे, आज ये लाठियां चलवाएंगे, लहूलुहान होंगे। हम तो शहीदों के वंशज हैं, झेल लेंगे। अगर उस सरकार को झेला है तो आज इस सरकार को भी झेलने की ताकत मजदूर किसान शक्ति रखती है। लालकुआ में कांग्रेस की परिवर्तन रैली का आगाज 4 सितंबर को होने जा रहा है, जिसके चलते तैयारी में जुटे कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया।
आपको बता दें, इस रैली में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और तमाम कांग्रेसी मौजूद रहेंगे और ये रैली किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगी। जहां दिक्कत अपनी हुंकार भरेंगे, वहीं हरीशचंद्र दुर्गापाल पूर्व मंत्री कांग्रेस का कहना है कि तैयारी पूरी कर ली गई है और रैली को 2022 में उत्तराखंड में परिवर्तन की रैली के नाम से जाना जाएगा। हमारे सम्मान प्रभारी सहप्रभारी पांडे जी और जितने भी सहप्रभारी हैं वो सब इंतजार करेंगे और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सभी कार्यकारी अध्यक्ष जनता की जान के प्रति जिम्मेदार विभाग कितने ही संवेदनशील हो गए हैं ये देखने को मिल रहा है पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद की सीमा पर स्थित जो सेरा घाट है वहां पर, जहां न्योली या सेरा में नदी में 5 दिन पूर्व ट्रॉली की रस्सी टूटने के कारण ट्रॉली बंद पड़ी है। क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोग और स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मोहन जोशी पूर्व ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। में बड़ोली सेरा के पास कुलूर नदी में बने हुए ट्रॉली की रस्सी टूट जाने के कारण विगत 5 दिनों से लोगों को आवागमन हेतु कुलूर नदी को पार करके आना जाना पड़ रहा है और इस क्षेत्र के लगभग 18 गांव के लोग, विद्यालय पहुंचने वाले बच्चे इस कुलूर नदी को तैर कर पहुंच रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग को सूचना करने के बाद भी आज 5 दिन बीत चुके हैं, फिर भी इस ट्रॉली को दुरुस्त नहीं किया जा गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार लोग तैरते तैरते गहरे पानी में पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय युवाओं द्वारा सहयोग करते हुए महिलाओं को, बच्चों को और आने वाले राहगीरों को कुलूर नदी को तैराया जा रहा है। मार्ग में बड़ोली सेरा के पास कुलूर नदी में बने हुए ट्रॉली की रस्सी टूट जाने के कारण विगत 5 दिनों से लोगों को आवागमन हेतु कुलूर नदी को पार करके आना जाना पड़ रहा है और इस क्षेत्र के लगभग 18 गांव के लोग, विद्यालय पहुंचने वाले बच्चे इस कुलूर नदी को तैर कर पहुंच रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोक निर्माण विभाग बेरीनाग को सूचना करने के बाद भी आज 5 दिन बीत चुके हैं, फिर भी इस ट्रॉली को दुरुस्त नहीं किया जा गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार लोग तैरते तैरते गहरे पानी में पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय युवाओं द्वारा सहयोग करते हुए महिलाओं को, बच्चों को और आने वाले राहगीरों को कुलूर नदी को तैराया जा रहा है। मार्ग में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना चलता ही रहा, पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद की बेटियां पर्वतारोहण के क्षेत्र में लगातार नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तरकाशी के बरसाली गांव की 22 वर्षीय नामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस, जो 5,642 मीटर है, उसका बीती मंगलवार को सफल आरोहण किया। अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का आरोहण करने वाली टीम लीडर थी। अनामिका के साथ दो अन्य लोगों ने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का आरोहण किया है। वहीं अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का सफल आरोहण करने वाली उत्तरकाशी की पहली महिला पर्वतारोही हैं। लक्सर में किसी दूसरे युवक के साथ प्रेम संबंध का आरोप लगाने पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद के दो दिन बाद पति संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया। मामले में पुलिस को तहरीर दी गई। परिजन लापता हुए युवक की पत्नी व उसके प्रेमी युवक पर उसका अनिष्ट करने की आशंका भी जता रहे हैं। लक्सर की सुल्तानपुर चौकी के गांव की विवाहिता स्वास्थ्य विभाग में काम करती है। उसके पति को शक था कि उसकी पत्नी का टीकमपुर निवासी दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई दिन से विवाद भी चल रहा है। पति ने अपनी पत्नी व उसके कथित प्रेमी के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर भी दी थी। ऐसा ना कि हमारा भतीजा का प्यास से आवे दो बजे करीब, तो इसकी वाइफ है जो, तो इसका हमें सफेदों के साथ फिर धमकी दे रखी इसको, तो उस डर के मारे उसका पता नहीं मुझे खा दिया क्या करा है। हम सब हैं इसमें और टिक्कोपुर वाले उसमें सोनू बजरंगी में। कब से लापता है? ये जी रात से 2 बजे करीब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन को फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने इसमें जॉगिंग करते हुए प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल विभाग उत्तराखंड और उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का स्मरण करते हुए खेल दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की नई खेल नीति लाएगी जिसमें खिलाड़ियों को तैयारी के लिए संसाधनों की कमी ना रहे। राज्य सरकार की कोशिश है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा, खेल विभाग के अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। लक्सर के खानपुर विकासखंड के 23 ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना का लाभ महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। आपको बताते चलें, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना के तहत महिलाओं को सीधे इसका लाभ मिल रहा है। खानपुर विकासखंड की 23 ग्राम पंचायतों में 10 से 12 महिलाओं का समूह बनाकर 1,10,000 की राशि सीधे लाभार्थियों को दी जा रही है, ताकि महिला समूह में रहकर अपना कोई भी लघु उद्योग कर सकें, जिसका लाभ सीधे तौर पर महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। महिलाएं अब अपना स्वयं का रोजगार कर मुनाफा कमा रही हैं। खानपुर विकासखंड में एनएलएम के माध्यम से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 3,000 से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है समूह में, और 30 हमारे ग्राम संगठन बन चुके हैं और 3 CLF उनके ऊपर बना दी गई हैं, जिसमें सारी महिलाएं जो हैं वो रोजगार पर कार्य कर रही हैं। जैसा भी जिस गांव में संभव होता है, उसी प्रकार से उनके रोजगार के हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे जो एक समूह है, हमारे समूह में जो समूह जुड़ा है आजीविका से, उसमें हमें शुरू स्टार्टिंग में 10,000 का सरकार ने मानदेय दिया, और खुद की हमारी बचत हो चुकी है 2 साल की 24,000 रुपये, और 10,000 भी हो गए हमारे, हो गए 34,000 रुपये।
और सरकार से हमें ये जो 10,000 का लाभ है हमारे आजीविका बढ़ के, हमने इससे जो दो दुकानें हैं चाउमीन की है। नैनीताल में बुधवार को कोरोना के जो मामले थे वो ज्यादा देखे गए थे, जिसके बाद जनपद में एक बार फिर कोरोना को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। सुशीला तिवारी में कोरोना की दूसरी लहर के जो कमियां पाई गई थी उन्हें दूर करने के साथ ही हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने के साथ ही स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जा चुकी है। आपने देखा होगा कि अभी मेडिकल कॉलेज में लगभग 8 बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो पॉजिटिव निकले, तो ऐसे ही मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी बेताल घाट में टीचर्स के माध्यम से ऑनलाइन जो पढ़ा रहे थे उन बच्चों की हम लोगों ने मॉनिटरिंग की, तो लगभग 32 बच्चे ऐसे थे जिनको सर्दी जुकाम और बुखार आ रहा था, उनका हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट भी कराया, एंटीजन भी कराया और जो उसके रिजल्ट हैं वो नेगेटिव हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हम लोग काफ़ी मुस्तैद हैं और पूरी तैयारी के साथ हैं। और जहाँ तक थर्ड फेज़ की बात है, थर्ड सर्च की बात है, उसके लिए सारे हमारे हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। जितने भी PSCs हैं, CSCs हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर कंसेंट्रेटर हमारे पहुँच चुके हैं। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने का कार्य चल रहा है। इवन आप सुशीला तिवारी में जो हम लोगों ने दिक्कतें महसूस की थी सेकंड सर्ज में, वहाँ पे एक स्टोरेज टैंक भी हम लोगों ने लगभग 21,000 लीटर का हम लोगों ने स्थापित कर दिया है, तो उसमें काफ़ी टाइम की बचत होगी। तो वैसे तो हम आशा करते हैं कि एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अगर हम सक्सेसफुली हम करा पाने में सफल होते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत कम होगा। वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े ना आए कोई आर्थिक संकट, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विकास नगर के साहिया राजस्व क्षेत्र में सड़क निर्माण के टेंडर को लेकर PWD अधिकारी पर बंदूक तानने का मामला सामने आया है। वहीं मामले में से जुड़ा CCTV भी प्रकाश में आया है, जिसमें कार्यालय में एक युवक बंदूक के साथ निकल रहा है। इतना ही नहीं, अधिकारी को फोन पर धमकाने का वीडियो भी है। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है, जिसके बाद से अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि के न्यूज इस ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में अवैध रूप से दुकानों में काटे जा रहे जानवरों के खिलाफ दायर याचिका
स्वीकार कर ली है। संभवतः सितंबर माह में कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें, बागेश्वर निवासी कार्की ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा उन्हें बागेश्वर में स्लॉटर हाउस खोलने का लाइसेंस जारी किया गया था, किंतु उन्हें स्लॉटर हाउस चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीट विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों में ही जानवर काट कर गंदगी इधर उधर फेंकी जा रही, जिसकी दुर्गंध से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि जिलाधिकारी बागेश्वर नगर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध रूप से दुकानों में चल रहे स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें बंद किया जाए। वहाँ पे हमें लाइसेंस मिला था विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ नगर पालिका बागेश्वर की मार्च 2021 से मार्च 2022 तक हमें स्लॉटर हाउस चलाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही है कि सभी लोग जितने भी स्लॉट करते हैं, मीट बेचते हैं, वो लोग अपनी अपनी दुकानों में काट दे रहे थे। तो हमने यहाँ पे याचिका दाखिल की है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बागेश्वर और नगर पालिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सारे इलीगल स्लॉटिंग को बंद करें, और कोर्ट में चूंकि आज हमारी अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगी थी, तो फिलहाल कोर्ट ने हमारा अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ किया है, उसके बाद डेट आई। हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को कृष्ण भक्त कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में बच्चे भी सज संवर कर राधा के रूप में जन्माष्टमी की खूब तैयारी कर रहे हैं। हरिद्वार जगजीतपुर की रहने वाली साक्षी मौर्य भी राधा बनकर जन्माष्टमी की तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें, 30 अगस्त को सोमवार को पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। खबर खटीमा से है, जहां पहाड़ों और तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, वहीं जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में भी बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। रिहायशी इलाकों में पानी की निकासी न होने से क्षेत्र की गलियां पानी में डूब गई हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए क्षेत्र के नए सीएम से अपनी उम्मीदें जताई हैं। परेशानी तो बहुत है जनता को और दिक्कतें बहुत है। अब नगर पालिका इसमें कुछ सही रूप से काम नहीं कर रही है। चौराहे की मुख्य समस्या है, ये चौराहे से पानी भरता है मनीष के इधर, और ये हाथीखाने मोहल्ले में भर जाता है पानी, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि नगर पालिका सही ढंग से काम करे और पानी की निकासी की व्यवस्थाएँ करें। पालिका को इस पर पहले भी कई लोगों ने जो है चेताया था, प्रशासन ने भी बार बार जो है इस चीज़ को कहा था कि नगर पालिका ड्रेनेज सिस्टम को सही करे, सही समय पे तली झाड़ नालियों की सबकी करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नगर पालिका ने सही काम किया है, और अभी और शहर को ड्रेनेज व्यवस्था को सही करने की ज़रूरत है। खबर बेरीनाग से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में सेना के 161 सेना अस्पताल पिथौरागढ़ के माध्यम से एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने किया। वहीं सेना के डॉक्टर ललित ने बताया कि शिविर में सभी लोगों का उपचार किया जा रहा है और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही निःशुल्क शिविर में पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों सहित अन्य लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करवाया गया। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। कोरोना महामारी के संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है और इसकी शुरुआत घर घर से होगी। कोविड 19 संक्रमण से बचाव हेतु बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पूरक आहार यानी सप्लीमेंटेशन प्रमुख उपाय है। इसलिए अपने बच्चों के आहार में पोषक तत्वों से भरपूर इन चीजों का इस्तेमाल अवश्य करें। विटामिन ए के लिए आम, पपीता, गाजर, शकरकंद, मछली। विटामिन सी के लिए माल्टा, टमाटर, नींबू, गोभी, अमरूद, स्ट्रॉबेरी। विटामिन डी के लिए मक्खन, अनाज, पनीर, गाय का दूध। जिंक के लिए काजू, अंडा, पालक, सी फूड। सेलेनियम के लिए नारियल, लहसुन और ओमेगा के स्रोत के लिए अलसी, अखरोट और मशरूम। बच्चों को जंक फूड और ज्यादा मसालेदार भोजन न दे। इसके अलावा 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के द्वारा